आज की मैं शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल फेस टोनर जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग कर देगा, हमारे पोर्स को क्लोज कर देगा एंड पोर्स में जो भी डर्ट जम जाती है उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये जो हमारी एजिंग की प्रॉब्लम होती है, प्री एजिंग की जो प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करेगा। इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट फॉलो करना है, बहुत सिंपल से रूल्स फॉलो करना है, आपको बहुत सारा तामझाम नहीं करना है एंड बहुत इजी प्रोसेस से इसे आप बना सकते हो। इसके इंग्रेडिएंट का जो मेन मेन्यू है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है जो हमारे फेस को एकदम टाइटन कर देता है, फेस पे ग्लो ला देता है एंड जो होता है हमारे फेस पे एक धब्बा सा दाग सा वो सब निकाल देता है। एंड फेस टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फेस के लिए, आप अगर फेस वॉश करते हो तो उसके बाद टोनर लगाना एकदम कंपलसरी है बिकॉज वो हमारे पोर्स में जो भी डर्ट निकल जाते हैं उसे टाइटन कर देता है, निकलने के बाद जो है फेस के पोर्स को टाइटन करता है और हमारी स्किन को बहुत लाइटनिंग भी बनाता है। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो 20 से 22 दिन में आप देखो कि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट हो रही है, आपके आईज के नीचे जो रिंकल्स है वो नहीं होंगे, वो धीरे धीरे रिमूव होंगे एंड साथ ही आपका फेस टाइटनिंग लगेगा एंड ग्लो भी करेगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, वीडियो में कि बनाना कैसे इस फेस टोनर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे करना है फेस टोनर को। यहाँ पे मैंने ग्रीन टी का लीफ ले लिया है 2 टेबल स्पून, आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। देन इसमें मैंने 1 कप ऑफ वाटर डाला है, पीने का पानी ही डालना है। इसे मैंने गैस पे चढ़ा के अच्छे से इसे उबाल लूँगी, इसे 1/2 कप ऑफ वाटर बना लेना है एंड देन जब ये अच्छे से उबल जाए इसे स्ट्रेन कर लेना है कप में और ये 1 कप पानी आधा कप से भी कम हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल लिया है, जब ये टोनर अच्छे से ठंडा हो जाए देन स्प्रे बॉटल में डाल देना है इसे। आप इसमें चाहो तो रोज़ इसेंशियल ऑयल या फिर किसी भी तरह का इसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। सो गाइस, जैसे मैंने वीडियोस में दिखाया है कि कैसे फेस टोनर को प्रिपेयर करना है, सेम उसी वे में आपको प्रोसेस में आपको फेस टोनर प्रिपेयर करना है। और अगर आप इसमें और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप रोज़ एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो या फिर कोई भी अपना फेस का एसेंशियल ऑयल जो आप यूज़ करते हो उसे अप्लाई ऐड कर सकते हो और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। इस टोनर की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे जो जिस भी टाइप की आपकी स्किन टाइप है आप उस टाइप में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑयली है तो अप्लाई कर सकते हो एंड नॉर्मल है या फिर कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसे अप्लाई करते हो। ऑल स्किन टाइप के लोग इस फेस टोनर को अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और बहुत ही अच्छा से रिजल्ट पा सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड ये फेस जो भी आप मार्केट बेस्ड फेस टोनर अप्लाई करते हो सेम वही है, उसी उसका रिजल्ट भी वही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मार्केट में फेस टोनर्स आते हैं उसका अप्लाई नहीं करो, उसका एप्लीकेशन ना करो, पूरा बंद कर दो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉम्बिनेशन बना के रखो, एक कंबाइन होनी चाहिए कि आप एक टाइम पे जैसे मॉर्निंग रूटीन में आप फॉलो कर रहे हो तो उस टाइम पे आप DIY फेस टोनर अप्लाई कर लो जो कि मैंने बताया एंड नाइट टाइम में जब आप स्किन केयर फॉलो कर रहे हो उस टाइम आप मार्केट बेस्ड कोई भी टोनर अप्लाई कर लो जो आपके फेस पर सूट करता है। DIY यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा DIY में ही चले जाए, मार्केट बेस्ड का भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के रखिए जिससे आपकी स्किन को दोनों चीज़ों की आदत हो और आपके स्किन पे किसी भी तरह की ऐसा नहीं। जब आप पूरी तरह से DIY यूज़ करते हैं एंड अचानक से आप मार्केट बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपका फेस छट से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड फेस पे पिंपल्स एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी अप्लाई करें तो मार्केट बेस्ड टोनर, मार्केट बेस्ड फेस वॉश या फिर कुछ भी मार्केट बेस्ड जब यूज़ करें तो एक टाइम पे आप मार्केट बेस्ड करें एंड नेक्स्ट टाइम उसे जब आप अप्लाई करें अपने फेस पे स्किन केयर रूटीन तो आप DIY करें। इससे आपकी स्किन को दोनों चीज़ों की आदत होगी और आपका स्किन एकदम हेल्दी रहेगा।